नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है काशीफल या कुम्हाड़ा की खेती कैसे करें, उसके लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है, जलवायु कौन सी है, देखभाल कैसे करें, यानी रोग रोकथाम खरपतवार, और उससे आप किसान भाई कितनी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उससे पहले आपने यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को आप प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। आइए बात करते हैं काशीफल की खेती किसान भाई कैसे करें। कद्दूवर्गीय सब्जियों में काशीफल या कुम्हाड़ा या फिर सीताफल अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसके बड़े एवं गुद्देदार फल पक्के और कच्चे दोनों रूप में सब्जी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। काशीफल की सब्जी वह कोफ्ता के अलावा टमाटर के साथ मिलाकर केचप भी बनाते हैं। काशीफल की कोमल पत्तियां और तने के अग्रिम भाग तथा फूलों की भी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। काशीफल में विटामिन ए, बी एवं सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में इसकी खेती बहुत ही पुराने समय से होती चली आ रही है। काशीफल को सामान्य तापक्रम पर कई महीनों तक भंडारित किया जा सकता है, ये सबसे मुख्य विशेषता है। काशीफल वनस्पतिक नाम कुकुरविटा मास्चेटा है, इसे कुम्हाड़ा, कद्दुआ, सीताफल आदि के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं। लंबे समय तक भंडारण क्षमता होने के कारण इसकी खेती बहुआयत में की जाती है। भारत में इसकी खेती गर्मी एवं बरसात दोनों मौसम में की जा सकती है। यदि किसान भाई कद्दूवर्गीय सब्जियों की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके और उसके बारे में जान सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों तक यह जानकारी पहुंचे। और यदि आपको वीडियो में कुछ समस्याएं आती हैं तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पर भी आके भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब आइए बात करते हैं काशीफल हेतु जलवायु किस प्रकार की चाहिए उसको। जलवायु काशीफल या कुम्हाड़ा की फसल को लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता है। इसकी फसल उन स्थानों पर प्रमुखता से उगाई जाती है जहां तापक्रम 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसके बीजों के जमाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यदि तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो बीजों का अंकुरण नहीं होता है। यदि दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तो इसके फूल गिरने लगते हों, फलों का विकास कम हो जाता है। अब इसकी खेती के लिए भूमि और उसकी तैयारी आप कैसे करें। किसान भाइयों, काशीफल या सीताफल की खेती लगभग हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी और कार्बनिक पदार्थ युक्त दोमट भूमि उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से और 7.5 के बीच होना अच्छा रहता है। गर्मी की फसल के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है। वर्षा ऋतु में हल्की किस्म की भूमि का चुनाव करना जिसमें पानी का निकास अच्छी तरह से हो सके। अब बात आती है खेत की तैयारी की। बुआई से लगभग एक माह पहले खेत को गहरा जोत कर गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में जुताई के साथ मिला दें। इससे खेत अधिक उपजाऊ होता है और खेत में नमी धारण क्षमता बढ़ती है एवं बीज का जमाव यानी अंकुरण भी अच्छा होता है। बुआई के पहले 3-4 बार खेत की जुताई करके पट्टा चलाकर भूमि को भुरभुरी तथा समतल बना लेना चाहिए, जिससे सिंचाई का पानी एक समान लग सके। अब बात आती है काशीफल की उन्नत किस्में। काशीफल या कुम्हाड़ा या सीताफल की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। नंबर एक, अर्का चंदन। इसके फल आकार में गोल, दोनों सिरे पर थोड़े दबे हुए होते हैं। फल मध्यम आकार के, 2 से 3 किलोग्राम वजन के, हल्के भूरे रंग के होते हैं। गुदा मोटा, सख्त तथा चमकीले नारंगी रंग का होता है।
इसमें मिठास अच्छी होती है एवं घुलनशील शर्करा का अंश 8 से 10% होता है। इसमें कैरेटीन की मात्रा 33-31 अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रति यानी 100 ग्राम होती है। फल में अच्छी सुगंध होती है और इसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है। औसत उपज 335 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को इससे मिल सकती है। उसके बाद है कोयम 2-1। काशी फल की यह एक पछेती किस्म है। इसके फल आकार में बड़े 7 से 8 किलोग्राम वजन के होते हैं। फल आकार में गोल होते हैं एवं एक बेल पर 7 से 9 फल लगते हैं। फल पकने में 175 दिन का समय लगता है। इसकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को मिल सकती है। नंबर 2 है कोयम 2। काशीफल की यह गेती किस्म है जिसमें बुआई के 135 दिन के बाद फल तैयार हो जाते हैं। इसके फल छोटे आकार के होते हैं तथा प्रत्येक फल का औसत वजन 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। फलों के ऊपर हल्के खांचे पाए जाते हैं। गूदे का रंग नारंगी होता है। एक बेल पर औसतन 10 से 15 फल लगते हैं। इसकी औसत उपज 225 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसके पास बाद है पूसा विश्वास। इस किस्म की लताएं काफी बढ़ने वाली हैं और पत्तियां गहरे रंग की होती हैं, जिन पर कहीं कहीं सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। फल हल्के भूरे रंग के और गोल आकार के होते हैं। गूदा मोटा एवं पीले रंग का होता है। प्रत्येक फल का औसत वजन 5 किलोग्राम होता है। इसके फलों को पकने में 120 दिन का समय लगता है। इसकी औसत उपज 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। CM14। इसकी बेलें फैलने वाली होती हैं। फल चपटे गोलाकार के तथा लगभग 6 किलोग्राम वजन वाले होते हैं। फल हरे रंग के होते हैं जिन पर उथली नालियां बनी होती हैं। गूदा मोटा होता है। प्रति बेल इसकी औसत उपज 15.38 किलोग्राम पाई गई है। पूसा विकास। इसकी पत्तियां गोलाकार चिकनी बिना रोए और हल्के रंग की होती है, जिस पर जगह जगह पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। पीले धब्बे उभरी हुई इपिमेल्ड कोशिकाओं से बनते हैं, जो कि इस किस्म का अनुवांशिक रूप से प्रभावी जीन मार्कर है। इसके फल छोटे तथा चपटे होते हैं। फल औसत वजन 2 किलोग्राम है। फल का गुदा पीला होता है। इसके उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बसंत गर्मी में उगाने के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत उपज 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उषा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी इलाकों के लिए इसे तैयार किया गया है। उपज 520 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। फल सुनहरी रंग के होते हैं और वजन 4 किलोग्राम के आसपास फल का रहता है। उसके बाद है काशी फल की अन्य किस्में भी हैं। BS987, BS988, कल्याणपुर पंपकिन 1, नरेंद्र अग्रिम, नरेंद्र अमृत, IIPK 226 और शंकर नरेंद्र काशीफल 1 आदि भी प्रमुख इसकी किस्में हैं। तो ये तो थी काशीफल की किस्में, और किसान भाइयों को अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्में ही लगानी चाहिए, क्योंकि वो उस क्षेत्र के अनुकूल होती हैं, जिससे उनकी उपज भी अच्छी मिलती है। उसके बाद है खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। काशी फल के लिए आप किस प्रकार खाद दें और कैसे उसकी व्यवस्था करें। साधारणतः खेती की तैयारी के समय गोबर की सड़ी खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देना लाभप्रद रहता है। काशी फल के अधिक उपज के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। संपूर्ण गोबर की खाद फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 भाग मात्रा को अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए और शेष 2/3 नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रथम बार बुआई के 25 से 30 दिन बाद और उसके बाद 40 से 45 दिन पर फुलाने के समय देना चाहिए, और नालियां या थालों की गुड़ाई करके मिट्टी भी किसान भाइयों को पौधों को चढ़ानी चाहिए। बुआई का समय। काशीफल की मैदान क्षेत्रों में बुआई ग्रीष्म ऋतु के लिए फरवरी से मार्च और वर्षा ऋतु के लिए जून से जुलाई व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मार्च से अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा। काशीफल के 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 7 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर 100 ग्राम में लगभग 550 से 600 बीज
आपको मिलेंगे। बीज का उपचार कैसे करें किसान भाई, सबसे आवश्यक बात है जिससे अनेक रोगों से आपकी फसल का बचाव हो सकता है। काशी फल को फफूंद नाशक रोगों के कारण कभी कभी फसल में काफी हानि हो जाती है। इन रोगों से फसल को बचाने से पूर्व में सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके लिए थीरम या कार्बोडाइजम 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को किसान भाइयों को लिए उपचारित करना लाभदायक होता है। बीज की बुआई की विधि, किसान भाई इसकी बुआई कैसे करें। काशीफल हेतु अच्छे प्रकार से तैयार किए गए खेत में 2.25 मीटर से मतलब 2.25 मीटर दूरी और 45 सेंटीमीटर की चौड़ी नालियां बनाकर नालियों के दोनों किनारों पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करते हैं। एक स्थान पर 2 से 3 बीज या 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई करनी चाहिए। विरलीकरण, बुआई के उपरांत पौधे निकलाने पर विरलीकरण कर दिया जाता है और एक स्थान पर एक ही स्वस्थ पौधे को छोड़ दिया जाता है। जो आपने 2 से 3 बीज लगाए थे उनमें से केवल आपको एक स्वस्थ पौधा चुनना है। विरलीकरण करते समय किसी तेज धारदार खुरपी या चाकू से अनावश्यक पौधों को काट दिया जाता है। विरलीकरण करने के लिए पौधों को काटने की अपेक्षा खुरपी से निकालना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे स्वस्थ पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद है शस्य क्रियाएं एवं खरपतवार की रोकथाम। काशीफल या कुम्हाड़ा के जमाव से लेकर शुरुआत के 25-30 दिन तक निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशी के रूप में पेंडीमेथिलीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर यानी उसका घोल बनाकर जमीन के ऊपर बुआई के 48 घंटे के अंदर ही छिड़काव करना चाहिए। इससे बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद तक खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। इसमें किसान भाइयों के लिए ध्यान देने की बात है कि आप 48 घंटे के अंदर ही इसका छिड़काव करें, अन्यथा आपके बीज अंकुरण पर प्रभाव इसका हो सकता है। सिंचाई प्रबंधन यानी पानी किस प्रकार दें काशीफल की खेती में। जब बरसात में काशीफल की खेती की जाती है उस समय फसल की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मौसम जब सूखा रहता है तो आवश्यकता अनुसार पानी लगाते रहें। ग्रीष्म काल में उगाई जाए रही फसल भी 4 से 7 दिन के अंतराल पर नालियों में सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधे की 3 अवस्थाओं पर तना बढ़ते समय फूल आने से पहले और फसल विकास की अवस्था पर पानी की कमी होने पर उपज में भारी कमी आ जाती है, इसलिए उपयुक्त 3 अवस्थाओं पर पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। फसल पकने पर सिंचाई नहीं करते हैं जिससे कुम्हाड़ा भंडारण की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी काशीफल को आप ज्यादा दिन तक भंडारित कर सकते हैं। फलों की तुड़वाई बाजार मांग के आवश्यकता अनुसार काशीफल की कच्चे तथा पक्के दोनों अवस्था में तुड़वाई करते हैं। फसल की पहली तुड़वाई बुआई के 75 से 80 दिन बाद करते हैं और कच्चे फल के लिए फल लगने के 20 से 25 दिन बाद तुड़वाई करते हैं। इस फल को किसी तेज धारदार चाकू से इस प्रकार पौधे से अलग करना चाहिए कि पूरे पौधे को झटका न लगे या पूरा पौधा सूख सकता है इस वजह से। और किसान भाइयों को इससे कितनी पैदावार मिल सकती है वो हम पहले किस्मों के अनुसार भी आपको बता चुके हैं, लेकिन काशीफल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 400 से 450 क्विंटल होती है। एक अच्छी किस्म की पक्के फलों को सामान्य तापक्रम पर काफी समय तक रखा जा सकता है और आवश्यकता के आधार पर बाजार में इसको बेचकर बेचा भी जा सकता है। तो ये तो थी काशीफल की खेती की जानकारी। आपने जाना उसकी देखभाल, उपज और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जाना। यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से किसान भाई संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए जिससे अधिक से अधिक किसानों के पास इसकी बात पहुंचे और वो काशीफल की यदि खेती करते हैं तो एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उन्नत पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को आप दबाना मत भूलिए। इससे आपको कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो यानी जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान
कर सकते हैं। और यदि वीडियो में कोई समस्या आपको आती है तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagratri.com पर आकर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो मैं एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।